15 दिसंबर 1964, भारत ने साउथ अंडमान सी में बन रहे लो प्रेशर एरिया की पहचान कर ली थी। इसका मतलब ये था कि बारिश और तूफान बस दस्तक देने ही वाली है। सब कुछ सामान नहीं लग रहा था। तब तक किसी को ये खबर नहीं थी कि 45 किलोमीटर पर आवर की मध्यम हवा जल्दी ही एक बड़े तूफान का आकार लेने वाली है। 21 दिसंबर को अनुमान से ज्यादा ताकत से तूफान पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा और ये उस वक्त की सैटेलाइट इमेजरी है जो करीब 965 किलोमीटर के दायरे में बन रहे बादल को साफ साफ दिखा रही है। 22 दिसंबर को सिलोन यानी आज के श्रीलंका में नॉर्थर्न टिप पे तूफान ने दस्तक दी, जिसकी रफ्तार करीब 110 किलोमीटर पर आवर की थी। टकराने के बाद तूफान वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और इसके बाद इसकी रफ्तार करीब 280 किलोमीटर पर आवर की हो गई। 22 तारीख की शाम का वक्त हुआ होगा। उस शाम में मिस्टर सुंदरराज, जो धनुषकोडी के स्टेशन मास्टर थे, अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पहुंच चुके थे। रात की करीब 9 बजे तेज हवा से अचानक मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया और लोगों के घरों तक में पानी घुसने लगा। किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। उधर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ट्रेन नंबर 653 पाम्बन धनुषकोडी मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन, जो कि एक डेली ट्रेन थी जो लोगों को पाम्बन से धनुषकोडी तक पहुंचाती थी और लोग वहां से फेरी में यात्रा करके श्रीलंका तक जाते थे, उस रात करीब 23:55 हुए होंगे। ये ट्रेन पाम्बन स्टेशन से काफी आगे निकल चुकी थी और धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से तूफान की रफ्तार काफी बढ़ गई। चारों तरफ अंधेरा और सिग्नलिंग सिस्टम बंद हो जाने के कारण से लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन के बाहर ही रोकनी पड़ी और काफी टाइम निकल जाने के बाद लोको पायलट को जब कोई सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने रिस्क लेने की ठानी और बिना सिग्नल के ही ट्रेन उन्होंने आगे चला दी। पर लहरें काफी ज्यादा ऊंची थी और एक ही बार में ऐसी लहर आई कि पूरी ट्रेन को ही निकल गई। ट्रेन में कुछ 6 डब्बे थे और एक ही झटके में सभी डब्बे लहरों के साथ बह गए। आंकड़ों की माने तो करीब 110 लोग स्टाफ को लेकर के जो पैसेंजर ट्रेन में सवार थे सभी समंदर के आगोश में बह गए। और कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि कुछ जो पैसेंजर्स थे वो बिना टिकट के थे, तो उनकी भी संख्या काफ़ी हो सकती है। तो इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि 180 से 200 पैसेंजर जो थे वो उस तूफान में बह गए थे। दोस्तों, उसके बाद घंटों तक तूफान अपना प्रकोप दिखाता रहा और उस दौरान सिर्फ अकेले धनुषकोडी में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहते हैं कि भारत के तट पे आया ये बहुत बड़ा तूफान था, जिसकी निशानी आज भी आपको धनुषकोडी में देखने को मिल जाती है। उखड़े हुए रेल के ट्रैक्स, स्टेशन, घर सभी एक ही कहानी की याद दिलाते हैं कि सच में वो बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। दोस्तों, पाम्बन ब्रिज जो मंडपम को पाम्बन से जोड़ती है, उस आपदा में पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। खैर, आज पाम्बन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इसके बारे में कुछ और दिलचस्प कहानियां हैं जिसके बारे में बहुत ही संक्षेप में किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ।